तो मेरा बेटा का 3 साल उम्र है अब। वो जब 15-16 महीने था सबसे बहुत बातें कर रहे थे, तो हम लोग जो बातें कर रहे थे घर में बातें करते थे उसको वो बाद में रिपीट करते थे, बात को सुन के फिर रिपीट करते थे। तो हम लोगों ने सोचा तो कुछ सिखाएं, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बात सिखाए, ABCD 1 2 ऐसे करके सिखाते सिखा रहे, सीख गए। मेरे बेटे बचपन से ही पता नहीं उसे इतना जानकारी या उसे कुछ बोलने के लिए, वो छोटे से बोलते थे मम्मी पापा दीदी दादी ये सब बोलते थे। उसकी माँ पूजा करने जाते थे घर में तो वो भी पीछे पीछे चले जाते थे, फिर उसकी माँ मंत्र बोलते थे, पता नहीं वो मंत्र कब वो अपने दिमाग में घुसा लेते, फिर थोड़ी देर में फिर वो खुद वो मंत्र दोबारा बोलते। फिर हम लोगों ने ये मंत्र सुने, हमें भी कुछ ताजुब लग रहा था कि ये क्या बात है, ये इसे मंत्र कैसे मुखस वो कर लेता है। फिर नेशनल एंथम, देश विदेश का राज्य राजधानी सब सीख गए। तो और हम लोग जब सुबह सुबह जब पूजा घर में जाते हैं तो पूजा घर में हम लोग मंत्र करते हैं, जो जैसे पूजा करते हैं तो वो भी पीछे पीछे चला जाता है घर में। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे कुछ मंत्र और भी बोले, फिर वो तो कुछ धीरे धीरे वो सीखने लगे और गुनगुनाते रहे। इस हिसाब से उसके मम्मी ने उसे और कुछ सिखाई, जैसे कि कुछ देश के नाम, कुछ अल्फाबेट A to Z और नेशनल एंथम, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्रूट, ये वगैरह सब बोले तो सीख गए। तो 21 महीना में हमारे लोकल एक इधर चैनल से फिर तो थोड़ा वायरल हो गए, फिर आपका बंगाल TV चैनल में उसको दिखाए गए, अखबार में दिखाए गए। तब उसका 21 महीना था उम्र और आपका 2.5 साल में तो वो पूरे इधर उधर फेमस हो गए। फिलहाल अभी हम लोग तो अभी वो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्ट हो गए।
वही को ये जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से रिकॉर्ड में नाम आया तो हम लोग को बहुत खुशी है इसलिए। मेरा बेटा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्ट हो गए हैं, हमें बहुत खुशी लग रहा है।